नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है प्रॉन मसाला। तो चलिए देख लेते हैं कि मैं किस तरीके से प्रॉन मसाला बनाती हूँ। मैंने पहले यहाँ पर एक कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल गरम कर लिया है और एक अलग से पैन में मैंने यहाँ पर प्रॉन फिश को भी फ्राई करके रख लिया है। प्रॉन फिश को मैंने थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक ऐड करके उसके बाद फ्राई कर लिया। बहुत ज़्यादा फ्राई हमको नहीं करना है, बिल्कुल हल्के से हमें 1 मिनट के लिए जस्ट फ्राई करके इसे छोड़ देना है, नहीं तो ये बहुत हार्ड हो जाता है, खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब मैंने इस कढ़ाई में जिसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल गर्म किया है इसमें मैं 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। जैसे ही ये ज़ीरा थोड़ा सा गर्म हो जाए और थोड़ा सा अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद हम एक के बाद एक इंग्रेडिएंट्स ऐड करते रहेंगे। यहाँ पर मैंने चॉप्ड गार्लिक ऐड किए हैं, लहसुन, फिर मैंने तुरंत बाद ही मैंने यहाँ पर चॉप किए हुए अदरक ऐड कर दिए हैं। उसके बाद तुरंत ही मैंने इसमें 1 से 2 प्याज, चॉप्ड किए हुए प्याज मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसे हम बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। करीबन 2 मिनट के लिए हम इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। मीडियम हीट में इसे पकाना होगा, बहुत ज़्यादा लो मत कीजिएगा, नहीं तो ये अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए हमें इसे मीडियम फ्लेम में ही पकाना है जिससे कि इसमें क्रंचीनेस जो है वो आ सके। उसके बाद हम इसे थोड़ा सा जस्ट 2 मिनट के जैसे ही थोड़ा सा भून लेंगे उसके बाद हम इसमें एक टमाटर चॉप्ड किया हुआ वो हम इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर को ऐड करने के बाद थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें चॉप किया हुआ हरी मिर्च ऐड कर देंगे। आप जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से आप तीखा जो है हरी मिर्च वो कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। इसी तरीके से मीडियम फ्लेम में हम इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्राई हो चुके हैं, 3 से 4 मिनट यहाँ पर हो चुका है, मैंने इसे फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करते रहेंगे एक के बाद एक। हमने इसमें करीबन 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, और एक बात आपको ध्यान रखना होगा जब हम मसाले ऐड करेंगे उस समय हमें फ्लेम जो है वो हमें लो कर देने हैं, नहीं तो ये जो हमने वेजिटेबल्स ऐड किए हैं वो जल जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर ऐड किए हैं। उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे मसालों के साथ। बहुत ज़्यादा मसालों के साथ नहीं फ्राई करना है, जस्ट 1 मिनट के लिए हम इसे फ्राई कर लेंगे मसालों के साथ, नहीं तो मसाले जो हैं वो जल सकते हैं, इसलिए 1 मिनट के लिए लो फ्लेम में हम इस मसाले को फ्राई कर लेंगे। करने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे जिससे कि कुकिंग प्रोसेस जो है वो कुछ समय के लिए थोड़ा सा बंद हो जाए और हम मसालों को अच्छे तरीके से भून सकें। अब हमें इस मसाले को तब तक भूनना होगा जब तक कि पानी तेल जो है वो ना छोड़ दे। देखिए मसाले जो है वो अच्छे तरीके से भून चुके हैं। अब मैं इसमें फिर से थोड़ा सा और पानी ऐड करूंगी। हमने ये थोड़ा पानी और ऐड किया है, फिर से हम इसी तरीके से मसाले को दोबारा से भूनेंगे जब तक कि ये तेल नहीं छोड़ दे, तब तक फिर से हम दोबारा इसको भून लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से मसाले जो है अच्छे तरीके से भून चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करूँगी, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट छोटे कप का 1 कप पानी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद इसे लो फ्लेम में करीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। ढक के हम इसको 7-8 मिनट के लिए लो फ्लेम में छोड़ देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।
और अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। देखिए इस तरीके से अब मैंने 8 से 9 मिनट बाद इसे ढककर निकाल के अब मैं प्रॉन फिश को जो है उसमें ऐड करूंगी। प्रॉन फिश को ऐड करने के बाद आप बिल्कुल मत इसे ज़्यादा पकाइएगा, जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे फिर से ढक देंगे, उसके बाद ही हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसको ढक देंगे, ढक के 2 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा पका लेंगे। देखिए 2 मिनट बाद ये रेसिपी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है, प्रॉन मसाला। इसे आप रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो चलिए ये वीडियो मैं आज बस यही तक समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द फिर आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्ते।